लेकिन अगर कोई भी बंदा इस वीडियो के ऊपर नया आया है अभी तक उसने मेरी वीडियोस नहीं देखी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हो ना तो इससे बेस्ट चैनल आपको नहीं मिलने वाला यूट्यूब के ऊपर, तो बिल्कुल कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो भाई, सीधी बात है। दूसरी चीज आपको बताऊं, अगर कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत इस पहली इस वाली वीडियो देख रहा है तो उसको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट है, पहले डे से लेके अब 90 डे चल रहा है, आज 9वें दिन तक आप पूरी वीडियो देखो तब जाके आपको सारी चीज समझ आएंगी। मैंने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया है एफिलिएट मार्केटिंग, तो भाई देखो सीखो और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो लेसन होने वाला है, आज जो मैं सिखाने वाला हूँ, 9th डे होने वाला है आज का, और आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो लीड जनरेशन कर रहे हो ना, किस तरीके से आप लीड जनरेट करोगे बिना पैसे खर्च करे, अगर आपको ये चीज पता चल गई ना तो भाई अगर आप पैसे खर्च करके लीड जनरेट करोगे ना तो भाई वो लीड्स क्वालिटी वाली होंगी और उन लीड्स को आप ज्वाइन करवाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो देखना मेरे भाई। देखो जो लास्ट तक वीडियो देखता है ना भाई समझ उसको जाता है, बहुत लोग तो यहाँ पे छोड़ के चले गए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पता क्या कहते हैं, वही व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, भाई मेरी अर्निंग नहीं हो रही, भाई लीड जनरेट कैसे करते हैं। भाई वो चीजें उन लोगों के साथ होती है जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं। तो अगर आप समझदार हो, तगड़े बंदे हो, कमाना चाहते हो तो लास्ट तक देखो। स्टार्ट करते हैं, अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसके अंदर काम कराया जाता है। So, दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आप लोग मेरे लैपटॉप की स्क्रीन देख पा रहे होंगे। मैं आपको बताऊं, देखो मैंने कल अब तक की जो वीडियोस में बता दिया है कि आपको अगर ऑर्गेनिक लीड जनरेट करनी है तो भाई सबसे पहले आपको मोटिवेशन, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट या प्रमोशनल, इन पांचों में से कॉन्टेंट आपको बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से आपको कौन सा कॉन्टेंट बनाना चाहिए और कौन सा कॉन्टेंट कितना बनाना चाहिए, सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा किस तरीके से कॉन्टेंट आपको मिलेगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ना वीडियो, तो देखो चलते हैं। अब हम देखते हैं क्या कि देखो अब आपको करना क्या, फॉलो करना है 70-20-70-20-10 रूल। इस रूल को आपको फॉलो करना है, अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिया ना तो आपको समझ जाएगा किस तरीके से आपको लीड जनरेट करनी है, किस तरीके से आपके पास लीड्स आएगी। दोस्तों सच में देखो 70% आपको सिर्फ वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड करवाना है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं वैल्यू कंटेंट भैया कौन सा होता है, वैल्यू कंटेंट ये होता है जो आप देख रहे हो। मैं आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि लीड जनरेट कैसे करें, एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर काम कैसे करें, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कैसे कमाएं, तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ऐसे आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करवाओ। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया मुझे तो कुछ ऐसा आता नहीं तो मैं क्या सिखाऊं, तो मेरे भाई पहले सीखो मुझसे सीखो और लोगों को सिखाओ, ठीक है। वो हो गया वैल्यू कंटेंट, मुझसे सीखो, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं उनसे सीखो, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सीखो, कुछ और सीख लो, लीड जनरेशन सीख लो, फॉलो अप सीख लो, कन्वर्जन सीख लो, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ना एक एक चीज के अंदर एक्सपर्ट हो जाओ और वैल्यू प्रोवाइड करवाना लोगों को स्टार्ट कर दो, ठीक है। 70% आपको वैल्यू प्रोवाइड करवानी, दूसरा 20% आपको प्रमोशन करना है, प्रमोशन जरूर करना होता है। दोस्तों बताता हूँ देखो क्या होता है, अब मैं आपको देखो मैंने 10 दिन 9 दिन मतलब बहुत टाइम हो गया मैंने कोई प्रमोशन नहीं करा यूट्यूब के ऊपर, मतलब किस तरीके से प्रमोशन का मतलब बताता हूँ। प्रमोशन का मतलब होता है कि जो काम मैं करता हूँ उस काम के बारे में आपको बताना, ठीक है। मतलब मान लीजिए मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ दोस्तों, ठीक है, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, 25 लाख कमाए, जितना भी मैंने कमाया मैंने आपको नहीं बताया, अभी नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन क्या है इसमें मैं प्रमोशन कैसे करता हूँ। मैंने मान लो 7 दिन मैंने लगातार, एक हफ्ता मैंने 5 दिन आपको वैल्यू प्रोवाइड करवाई कि दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है, एफिलिएट मार्केटिंग वो होती है, इस तरीके से इसमें काम करना होता है, और मैंने कि लीड जनरेट कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास लीड्स आ जाती हैं तो आपको उनको बात कैसे करनी है, उनको स्टार्ट कैसे करवाना है बिजनेस, ये मैंने 5 दिन लगातार आपको वैल्यू प्रोवाइड करवाई। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आपको वैल्यू प्रोवाइड करवाई। उसके बाद आता 20% प्रमोशन, ठीक है। 5 दिन तो मैंने वैल्यू प्रोवाइड करवा दी, अब 20% मुझे क्या करना है, आपको प्रमोशन करना है। प्रमोशन कैसे करना है कि दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने मुझे 5 दिन देखा कि किस तरीके से मैं इतनी अच्छा आपको नॉलेज दे सकता हूं, तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करोगे ना तो भाई मैं आपको प्रॉपर हैंड टू हैंड हैंड होल्ड करके आपका हाथ पकड़ के सिखाऊंगा किस तरीके से इसके अंदर काम करना होता है। तो अगर आपको हाथ पकड़ के स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, कैसे करना है, मेरे डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओ, मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर लो, तो मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा। तो भाई अगर आप, मैंने वैल्यू इतनी सारी आपको दी है तो आप लोग क्या सोचोगे, यार ये बंदा है तगड़ा है यार, इसके साथ स्टार्ट करूंगा तो मैं भी कर सकता हूँ जैसे ये कर रहा है,
सोचोगे ना तो उससे क्या होता है, 70% आपने वैल्यू दी उसके बाद 20% प्रमोशन करा तो आपके साथ जो बंदा आएगा ना वो स्टार्ट कर लेगा बिजनेस। ठीक है, अब लीड्स कैसे आएंगी, जो मेन टॉपिक है हमारे, जो हम 70% कंटेंट बनाएंगे ना, जो वैल्यू प्रोवाइड करवाएंगे लोगों को, ठीक है, तो हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करवाई तो उससे क्या हुआ, वो जो लोग हैं ना, जो मार्केट के अंदर लोग हैं, वो आपको एक जानने लगे कि ये बंदा है, ये भाई बहुत अच्छी चीजें सिखाता है, इसको फॉलो कर लो। तो लोग आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो 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 करना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी जो, अगर आप वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हो, अच्छी रील बना रहे हो, अच्छी वीडियो बना रहे हो, अच्छी एडिटिंग कर रहे हो उसके अंदर, तो भाई क्या होगा, उस फिर क्या होगा, वो जो लोग आएंगे ना आपके पास, जो लोग आएंगे वो क्या सोचेंगे कि यार ये बंदा तो बहुत तगड़ा है, इसको फॉलो करो, तुम्हारी रील के ऊपर व्यूज अच्छे चले जाएंगे। ठीक है, फिर आपने 5 दिन तो अपना ही रील डाली, एक दिन आपने प्रमोशन कर दिया कि दोस्त इस रील में। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी कमाना चाहते हो मेरी तरह 2 से 3 हजार पर डे के, तो मेरे भाई मुझको अभी के अभी मैसेज करो व्हाट्सएप पे। आप लोगों ने देखा होगा मैं कितनी वैल्यू प्रोवाइड करवाता हूँ आप लोगों को, तो अगर मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करो तो खुद से सोचो आप भी कमाओगे जैसे मैं कमा रहा हूँ। लोग कहेंगे सही बात है यार, तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और वो लीड्स आपके पास आ जाएंगी। ये होता बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका। अब एक चीज बताओ, आपने ये चीज मैंने 7 दिन की बताई थी, आपने मान लो आप अपने आपको 2 महीने दो कि भाई मुझे 2 महीने 60 दिन देने हैं इस बिजनेस को। ठीक है, शुरुआत है ये, 60 दिन देने को ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। 60 दिन यार भाई, 15 साल हो गए होंगे स्कूल में जाते जाते पढ़ते हुए आपको, LKG नर्सरी पढ़ती सब लगा के, 12th वो 3 साल वैसे, 15 साल अगर 12वीं तक हो आप तो 15 साल में क्या क्या उखाड़ लिया, मतलब क्या कमा लिया आपने, पढ़ पढ़ के ही तो आए, बस नॉलेज तो ली है, कुछ नहीं करा। तो मेरे भाई यहाँ पे बस 2 महीने नॉलेज देनी है, उसके बाद पैसा कमाना है, बस इतना काम है। अब ये तो होगा नहीं कि आज आपने स्टार्ट कर लिया बिजनेस तो कल को आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, भाई ये नहीं होगा। अगर आपकी ये मेंटेलिटी है, ये सोच है, तो भाई चले जाओ, मत देखो वीडियो, कोई फायदा नहीं है यार, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, इन चीजों को दूर हट जाओ, सच बता रहा हूं। लेकिन अगर आप चाहते हो सच में पैसा कमाना, तो भाई सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा और कमाना पड़ेगा, तब कमाओगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा यार। ठीक है, मैंने भी दिया है। तो अब आपको वैल्यूएबल कंटेंट और प्रमोशनल कंटेंट समझ आ गया, कितना दोगे उतना मिलेगा। अब 10% होता है इंफोटेनमेंट। अब मैं आपको बताता हूं ये वाला कॉन्टेंट कौन सा होता है। इसमें क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दूसरे को एंटरटेनमेंट कर रहे हो, इसको कहते हैं इंफोटेनमेंट। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन भी दे रहे हो, एंटरटेनमेंट भी कर रहे हो। जैसे कोई भी, मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग ऐसे क्रिएटर हैं जो वीडियो बनाते हैं कि आपको हंसी मजाक में बता देंगे कि भाई लीड्स कैसे जनरेट करना, मतलब कि पहले एंटरटेनमेंट करेंगे किस तरीके का, उसके बाद आपको लीड जनरेट करने का तरीका बता देंगे। तो वो होते हैं जैसे घूमते फिरते, आप घूम फिर रहे हो, ठीक है, घूमते फिरते एकदम से वो आई ट्रांजिशन आई, उसमें आपको अर्निंग दिखा दी, ये भी एक इंफोटेनमेंट कॉन्टेंट होता है। ठीक है, घूम फिर रहे हो, कुछ हंसते मजाक वाली, कि मैंने एक और वीडियो में, पिछली वीडियो में एग्जांपल लिया था यही वाला, कि हम मनाली गए थे सब लोग, तो मनाली में जाके बहुत सारे लोगों ने क्या वीडियो बनाई थी कि मतलब कि एक कैमरा फोन रख दिया सामने, सब लोग ऐसे बैठ गए, फिर सब एक लड़के ने कहा भाई ये वही लोग हैं जो फ्री में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कैमरे को देख के। ठीक है, तो सब लोग आ गया, देखो आ गया, फ्री में बिजनेस स्टार्ट करने वाला आ गया, इस तरीके की वीडियो बनाई थी। तो एक अब एक नॉलेज क्या थी कि भाई फ्री में बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है, सब लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, वो नॉलेज दी उन लोगों ने। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन भी दी और एंटरटेनमेंट भी हो गया, तो उसको कहते हैं इंफोटेनमेंट कंटेंट। समझ आ गया ना आपको? ओके, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा आता है कंज्यूम बिफोर क्रिएट। अगर कोई भी चीज क्रिएट करने से पहले आपको उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, मतलब आपको लोगों को सिखाने से पहले खुद को सीखना जरूरी है। अगर मैं आज आपको सिखा पा रहा हूं तो भाई अपने आप से नहीं, मैंने खुद से सीखा है, काम अप्लाई करा है, रिजल्ट आया है, तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब आपको आगे चलते हैं वैल्यू कॉन्टेंट। अब मैं आपको बताता हूं क्या, अब आपको बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे चलो ठीक है भैया, पर हमारे पास अब ये नहीं समझ आता मुझे कि कॉन्टेंट कहां से लेके आऊं यार। तो मैं आपको बताता हूं, अब आप बिगनर, बिल्कुल नए बंदे हो, अभी तक आपने 8वीं 10वीं 12वीं कर रही है और आपको उसके अलावा दुनियादारी की कोई नॉलेज नहीं है इस बिजनेस के बारे में, तो कतई नहीं है, इतनी बात है। ठीक है, तो आप क्या बनाओगे? ठीक है, आप क्या क्या सोचोगे, क्या सर्च करूं मैं भाई, क्या सोचूं? मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, आपका भाई प्रशांत बैठा है इधर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इतना कर लो कि अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो वीडियो कितना मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहां तक पहुंच गए तो लिख दो मजा आ रहा है भैया। ठीक है, अगर लास्ट तक देखोगे तो आपको पता है लास्ट तक देखता है जो बंदा कमेंट क्या करता है कि भाई लास्ट तक देखी मजा आ गया, अगर मजा आया तो, मजा नहीं आया तो मत लिखना, सीधी बात है, लास्ट तक देखोगे तो मजा आएगा तो लिखना। ठीक है, ओके, अब आपको क्या करना है, आपको लोगों को क्या वैल्यू प्रोवाइड करनी, लोगों को देना है
अबाउट कोर्सेज के बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ। देखो आप कोई भी कंपनी के अंदर स्टार्ट हो, मैं कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी भी कंपनी के साथ आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी है भाइयों, तो करना क्या है आपको, उस कंपनी के जो कोर्सेज है ना उनके कोर्सेज के बारे में वैल्यू प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दो। मान लीजिए आपने कोई भी कंपनी का एक कोर्स परचेज करा है, ठीक है, कोर्स परचेज आपने कर लिया, सबसे पहले उस कोर्स को देखो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आप खुद से देखो तो आपको नॉलेज मिलेगी पहले, ठीक है, नॉलेज मिलेगी, फिर आप क्या कर सकते हो उस कोर्स की नॉलेज उठा उठा के लोगों को बताने स्टार्ट कर दो। मान लीजिए आपने एफिलिएट मार्केटिंग के, मान लीजिए इंस्टाग्राम मार्केटिंग का कोर्स देखा है आपने, तो आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग में आपको सब कुछ सिखाया गया होगा कि किस तरीके से आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी है, क्या टाइमिंग होती है, क्या मतलब रील को वायरल कैसे करें, बहुत सारी चीज सिखाई होगी, ठीक है। तो वो कंटेंट जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करो, अप्लाई करके रिजल्ट आ रहा है लोगों को बताना स्टार्ट कर दो। ये काम कर दोगे तब भी आप एक वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हो लोगों को, ठीक है, ये काम आप कर सकते हो कोर्सेज के द्वारा। उस कंपनी के कोर्सेज को प्रमोट करना स्टार्ट कर दो, मतलब कोर्सेज की क्या क्या बताओ कि भाई मैं इसके अंदर काम करता हूँ, इसके कोर्सेज के अंदर ये है, सारी चीजें बताओ, ये भी एक कंटेंट है, ठीक है, लोगों को बता रहे हो आप। दूसरी चीज है आपकी ट्यूटोरियल वीडियोस, मतलब आपको बताता हूँ, जैसे आप क्या है, आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, आपसे एक स्किल आती है एडिटिंग करना आता है आपसे, फोन से, इनशॉट ऐप है, बीएन ऐप है, कोई भी एक ऐप है जिससे आपसे एडिटिंग करना आता है, कहीं मास्टर हो सकता है कोई भी, तो आप क्या एक ट्यूटोरियल वीडियो बना सकते हो कि दोस्तों आज मैं आपको बीएनएफ से पूरा सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हो। अब देखो यहां से आपको दो बेनिफिट होंगे, पहला अगर आपने एक वीडियो पूरी बना दी 20 मिनट की, मान लो 20 मिनट की एक वीडियो बना दी जिसमें आपने, और उसमें आपको फेस भी नहीं दिखाना, आप सिंपल अपने रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो फोन के और डायरेक्ट आपको बता सकते हो कि भाई बीएनएफ के अंदर ये चीजें हैं, इनको कैसे अप्लाई करना है, इससे आप दो फायदे होंगे आपको, एक बड़ी वीडियो बनके YouTube पे डाल सकते हो उसको, दूसरे फायदे इन छोटी छोटी क्लिप्स को निकाल के उसमें से आप अपने Instagram पे डाल सकते हो, Instagram पे पूरी प्लेलिस्ट बना सकते हो, 30 दिन की 30 वीडियो निकाल सकती हो, 30 रील निकाल सकती हो उसमें 30-30 सेकंड की, Instagram भर जाएगा आपका, आपको लोग जानने लगेंगे भाई ये बंदा बीएन से एडिट करता है, ये तगड़ा बंदा है। जब आप खुद की वीडियो बनाने स्टार्ट करोगे तो आपको समझ आएगा और क्या क्या चीजें हैं बीएन ऐप के अंदर, और क्या क्या चीजें इनशॉट ऐप के अंदर, और क्या क्या चीजें काइन मास्टर के अंदर, तो ये होता है ट्यूटोरियल्स बना सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो भाई, बहुत आइडियाज के तो भरे पड़े, आपने लीड जनरेशन करना सीख लिया, मान लीजिए आपको पता है कि लोग इंस्टाग्राम फेसबुक से किस तरीके से लेके आने होते हैं, आप लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दो, आपको ये आता है कि बंदा अगर मेरे पास आ जाए तो भाई उसको तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा, उसकी तो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता हूं, उसके बारे में बताना स्टार्ट कर दो, ये भी कॉन्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते मोटिवेशन, मोटिवेशन एक बहुत ही तगड़ी चीज है दोस्तों। देखो अब एक चीज बताओ, बहुत सारे लोग ना मेरी वीडियो को देख के मोटिवेट हो जाते हैं, कि आप लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं तो कमेंट करना भाई मोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। मोटिवेट कैसे होना है, देखो करना है लोगों को, आप कुछ कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपने उसको सॉल्यूशन कर दिया। मान लीजिए मुझे अभी कुछ टाइम पहले तक प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं क्या है कि यार एडिटिंग नहीं कर पा रहा था सही से, जब तक वीडियो नहीं बनाता था एडिटिंग नहीं कर पा रहा था, बट मैंने कोशिश करी एडिटिंग कर ली, अब एक तरीके से मैं एडिटिंग अच्छी कर लेता हूँ, तो मैं लोगों को कहने लगा भाई एडिटिंग कुछ नहीं है भाई, तुम लगातार प्रैक्टिस करोगे कर लोगे कर सकते हो तुम भाई, चीटी भी बोले एक कॉइन का एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही तगड़ा एग्जांपल है, अगर पसंद आए तो लिखना कि भाई कॉइन के एग्जांपल में मजा आ गया। देखो सुनो भाई, क्या था, मैंने भी सुनी है ये स्टोरी, मैंने कोई देखो हर चीज क्या है भाई, कहीं से सीखी जाती है वो आपको बताई जाती है, अगर आपको नहीं पता तो सीख जाओ यहां से। क्या है कि भाई एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक चीज कहा है कि कोई भी बंदा कभी हमेशा के लिए नहीं हार सकता, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर 10 बार वो कोशिश कर रहा है ना, ठीक है, अगर कोई काम, एक वो एडिसन का एग्जांपल मत लेने लगना मेरे सामने कि उसने बल्ब बनाया था 10,000 कोशिश के बाद, ये सारी चीजें मत लेने लगना। एक एग्जांपल लेता हूँ, एक सिक्का है, एक सिक्के को तुम उछालना अपने घर के अंदर सिक्का उछालना, ठीक है, और ट्राई करना 10 बार उछालने की ट्राई करना, 10 बार उछालने की ट्राई करना, 10 के 10 बार हेड नहीं आ सकता ना 10 के 10 बार टेल आ सकता। जब खुद से बताओ ये अगर ये आ गया ना भाई, एक बंदे ने इनाम रख रखा है 10 करोड़ रुपए का, अगर आ गया तो ठीक है, तो भाई ये आ ही नहीं सकता, अगर ये आ गया तो समझ जाओ ये धरती का जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है सब कुछ चेंज, आने का ही नहीं है, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि आप हर बार हार सकते हो यार। अगर आप 10 बार सिक्का उछालोगे 10 में से 1-2 बार जरूर ही जीतोगे, तो अगर आप 10 बार कोशिश करोगे ना तो 2 बार तो जीतोगे यार, ये तो एक सिक्का बता रहा है आपको एग्जांपल, तो आप कैसे हार मान सकते हो। अगर थोड़ी सी भी मोटिवेशन आई अंदर तो ये समझ जाओ वो मोटिवेशन ही है यार,
वो मोटिवेशन ही है। ये जो इस तरीके के आप वीडियोस बना सकते हो मोटिवेट करने के लिए लोगों को कि भाई 10 बार सिक्का उछाला, 10 में से 10 बार आप कभी भी नहीं हार सकते, तो क्यों हार मान रहे हो इतनी जल्दी यार, मत हार मानो। अगर आपने स्टार्ट कर दिया बिजनेस तो भाई लगे रहो, हार मत मानो। आगे लर्निंग फ्रॉम बुक्स, यूट्यूब, ब्लॉग एटसेट्रा। देखो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं यार, बहुत सारी बुक्स पढ़ो, ठीक है, उन बुक्स को पढ़ो और बुक्स से सीखो, ठीक है। जितना बुक्स पढ़ोगे, जितना बुक्स से सीखोगे, बहुत नॉलेज मिलेगी यार, ठीक है। कंटेंट की कभी कमी नहीं होगी अगर आपने बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी तो। एक एक दो दो पेज पढ़ोगे, कंटेंट ही कंटेंट मिल जाएगा। पढ़ के देखो कोई भी बुक, एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा आपको, ठीक है, द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो है, वह मतलब की बुक है, उसको जरूर पढ़ना, द रहस्य। अगर आप पढ़ना चाहो तो बहुत बेस्ट बुक है, बहुत बेस्ट बुक है, रहस्य, द सीक्रेट, उसको पढ़ना, बहुत मस्त है, ठीक है। और आप यूट्यूब पे वीडियो देख के सीख सकते हो, जो सीखोगे सिखाना है, वैल्यूएबल कंटेंट डालना है, लीड्स की भरमार हो जाएगी। भाई मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब से बहुत ज्यादा लोग आते हैं मेरे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा लोग आते हैं इंस्टाग्राम को स्टार्ट करने के लिए, और मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था अपने इंस्टाग्राम का खोल के सारी चीजें, ठीक है। आपको अगर मेरे इंस्टाग्राम को अगर फॉलो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर आप फॉलो कर लेना, ठीक है, ओके। तो क्या है कि मैं जो कंटेंट डालता हूँ वैल्यू प्रोवाइड करवाता हूँ, प्रमोशन बहुत कम करता हूँ, 20% 10% करता हूँ भाई। तो भाई जितनी वैल्यू प्रोवाइड करोगे उतने ज्यादा लोग आएंगे, और जो लोग आएंगे तो बिजनेस चलेगा, बिजनेस चलेगा तो मजा आएगा, ठीक है। तो भाई इतना था आज की वीडियो के अंदर, चलो मैं इसके आगे भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो अब जो प्रमोशनल कंटेंट होते हैं, अब जैसे क्या है, आपने अभी तक क्या करा है, रील बनाई है, सारी चीजें करी है, ये सिर्फ क्या करी है आपने कि भाई मुझे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करवानी है और लीड्स आएंगी अपने आप से, उस टाइम उस काम में लगेगा आपको थोड़ा सा टाइम। दूसरी चीज क्या कर सकते हो, प्रमोशनल कंटेंट कैसे कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक क्या हो सकता है कि आपने डैशबोर्ड, अगर आपकी 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए की अर्निंग हो रखी है कोई भी कंपनी के अंदर, तो आप अपनी डैशबोर्ड की वीडियो बना के लोगों को डालोगे तो वहां से एक प्रमोशन है ये भी, ठीक है। दूसरा टीम के टेस्टिमोनियल बता सकते हो, अगर आपकी टीम के अंदर कोई बंदा कमा रहा है तो उसकी दिखाओ। अब बहुत सारे लोग मेरे पास यहाँ पे वो होंगे जो नए जिन्होंने स्टार्ट कराया बिजनेस, उनको पता नहीं भाई क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। तो भाई क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, जो मैं स्टेटस लगाता हूँ, जो मेरी टीम के स्टेटस है, ठीक है, जो और बंदे स्टेटस लगाते हैं, आप उनके स्टेटस उठा के लगाओ ना, लगाओ तो सही, लोगों को पता तो चलेगा आप कुछ कर रहे हो, कुछ ऑनलाइन बिजनेस सा कर रहे हो, कुछ लोगों को तभी तो पता चलेगा, ठीक है। तो वो चीज कर सकते हो आप, जिससे कि आप पर मेंशन जरूर कर दो, माय टीम अर्निंग, माय मेंटर अर्निंग, जिस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप प्रमोशनल पोस्टर बना सकते हो, ठीक है। प्रमोशनल पोस्टर कैसे बनाते हैं, आप कैनवा पे जाके सिंपल एक पोस्टर बना सकते हो कि 2,000 से 3,000 रुपए पर डे के कमाने के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर ही है। मैंने आपको एक व्हाट्सएप मार्केटिंग करना सिखाया था शायद, ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसके नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा व्हाट्सएप मार्केटिंग का, ठीक है। व्हाट्सएप से लीड जनरेट करना, हजारों लीड्स व्हाट्सएप से जनरेट करना, वो आपको सिखाऊंगा। उसके बाद है शो योर अचीवमेंट्स, अगर आपने कुछ अचीव करा तो वो दिखाओ लोगों को, वो भी एक प्रमोशन है। दिखाओगे, जितना दिखाओगे उतने लोग आपके पास आएंगे, ठीक है। फिर क्या है, स्ट्रेट पिच मंथली, देखो क्या है अब आपको क्या करना है, मंथली स्लॉट्स खोल देने हैं, मतलब कि एक महीने के अंदर आपको 10 गोल्डन के एक्शन टेकर चाहिए, या मतलब जिस कंपनी के अंदर आपका गोल्ड है, सिल्वर है, कोई कोर्स है आपका, प्लेटिनियम कोई कोर्स है, ठीक है। तो जो भी आपका कोर्स है आप ये कह सकते हो भाई एक 30 दिन का आप लगा सकते हो टारगेट, ठीक है, इस तरीके का आप कर सकते हो, ठीक है। उनको मतलब कि एक तरीके से आपको पिच करना है, तो आप ये कर सकते हो, आप उनको जैसे कि मैं देता हूं कि अगर जैसे आपको ये एक स्लॉट खोल देता हूं कि भाई 2 दिन के लिए सिर्फ 2-5 स्लॉट है, जितनी जल्दी हो सके आप स्टार्ट कर लो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 सीट बची है, अर्जेंसी क्रिएट होती है, ठीक है। अर्जेंसी को लेकर मैं वीडियोस लेके आऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको सिखाने वाला, तो भाई बने रहो यार, ठीक है। अगर वीडियोस देखते रहोगे तो मजा आता रहेगा। अगर आपको अभी तक देखा वीडियो और आपको अच्छा लगा तो भाई कॉमेंट में करो भाई अच्छा लगा, मजा आ गया, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आओ, ठीक है, जल्दी आएगी वीडियो। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अब तक लेट नहीं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, पूरी प्लेलिस्ट देखो यार। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।